मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अफजाल के ही समर्थक नजर आ रहे हैं, और इसकी वजह शायद यही है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर, दफ्तर है समाजवादी पार्टी का, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा उनके समर्थक हैं। आप लोग भी समाजवादी पार्टी जी? हम लोग फैसला सुनने के लिए आए थे। किसके समर्थक हैं ये? अफजाल अंसारी जी। हर कोई अफजाल का ही समर्थक है यहाँ? जी बिल्कुल, वो गरीबों के हमदर्द हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है। ये भी डर मन में है कि संसद की सदस्यता चली जाए? नहीं डर है भाई, हमारे नेता हैं तो क्यों नहीं डर है भाई, उनके साथ तो अगर उनकी उनको सजा हो जाती तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। पहले 2005 में जो हत्या हुई थी उस मामले में भी इन लोगों पे आरोप था, हालांकि बरी हो गए, कहा गया कोई गवाही नहीं डर से आया। आरोप तो बहुत से लगे हुए लेकिन कोई सिद्ध नहीं हो पाया, अब हो सकता है सिद्ध हो जाए। क्यों इतना डर है मुख्तार अंसारी का, क्यों खौफ है? किसको खौफ है? किसी को खौफ नहीं है, यहाँ तो लोगों के घर, कई लोगों का घर चूल्हा जलता है उनके नाम से। करते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं, अगर कोई गरीब चला गया तो उनकी खिदमत। जो इतने सारे मुकदमे हैं, ये आरोप हैं, जमीन कब्जा करना और कई मामले ऐसे हैं जहां पर गलत तरीके से उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। करोड़ों का साम्राज्य जो गलत किए हैं वो गलत है, लेकिन जो सही है वो तो सही हम लोग कह रहे हैं। जो कह रहे हैं आप भी वही मानते हैं? जी बिल्कुल। अभी समाजवादी पार्टी से? जी नहीं, समाजवादी आम आदमी है, आम नागरिक है। आप किस पार्टी से? देखिए सर, मैं पार्टी से किसी भी नहीं हूँ। आपका तो लिबासी बता रहा है, आप किसी दल से? किसी दल से नहीं, देखिए व्हाइट में सफेद है, सत्य का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी है? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ। मैं एक बात कहूँगा कि गाजीपुर में सुबह से ही गवागमी इस चीज़ को तो लेकर थी, मुख्तार अंसारी के पेशे और अफजाल अंसारी को लेकर चर्चा का विषय बना था, और करीब 30-35 साल से इस परिवार का इस जनपद पर रसूख तो रहा है। कभी भी कोई इस परिवार का दबदबा गाजीपुर में रहा है, और ना सिर्फ गाजीपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल में रहा है। ऐसे में जब एक एक करके नेस्ता नाबूद किया जा रहा है तो समर्थक भी सामने आ रहे हैं। विशाल और नीतीश आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं मुख्तार अंसारी के माफिया राज की पूरी कहानी, कैसे उनके पिता समेत 7 लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया और 17 साल से वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2005 में गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी समेत कई दूसरे लोगों पर लगा। बाद में सीबीआई ने मामले की जांच की, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन इसी मुकदमे के आधार पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे साथ हैं कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय। पीयूष जी, 18 साल हो गए, उस समय आपकी उम्र भी काफ़ी कम होगी, क्या हुआ था उस समय? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे मौका दिया उस अपनी आप बीती जनता के समक्ष रखने के लिए। देखिए, 1984 से अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ते और विधायक बनते आए हैं। इन लोगों का अपना एक रसूख, अपना एक वर्चस्व, अपनी एक गुंडई हुआ करती थी, जिसके तर्ज पे ये अपने विधानसभा की सीट पे जीतते हुए आए हैं। और इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि इस वर्चस्व को वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई कभी ख़त्म हो। जब 1997 में मेरे पहली बार जब मेरे पिताजी इन्होंने इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, तो इनको ये आभास हुआ कि उनके इस वर्चस्व का, उनका ये जो काला साम्राज्य यहाँ स्थापित था मोहम्मदाबाद में, उसको चुनौती देने के लिए कोई यहाँ उपस्थित हो गया है। वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से ये सफल हो पाए, लेकिन प्रजातंत्र का यही एक खूबसूरती है कि जब आप जनता के बीच में उपस्थित होते हैं तो निर्णय जनता के हाथ में होती है, और उसका निर्णय लेते हुए इनके 5 बार के विधायकी कार्यकाल को समाप्त करते हुए 2002 में हमारे पिताजी को प्रचंड बहुमत यहाँ से जनता ने दिया और विधायक बना के विधानसभा में भेजा। लेकिन मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को ये हार पची नहीं, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सीट उनके जागीर उन्होंने समझ रखी थी, और प्रजातंत्र में उन्होंने ये मान लिया था कि इस सीट पे राज उन्हीं को करना है और यहाँ कोई दूसरा स्थापित नहीं होने देंगे, जिसके चलते एक राजनीतिक द्वेष के चलते, और क्योंकि हमारे पिताजी इनके हर कुकर्मों के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे उस समय, मीडिया में, विधानसभा में प्रश्न उठाया करते थे, तो इनको ये सब चीज़ें भाती नहीं थी, और उसी के चलते इनकी राजनीतिक हत्या इनके समेत एक हमारे बड़े बुजुर्ग थे श्यामा शंकर राय, प्रमुख ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी हत्या कराई गई। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।